चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होगा। अरे मंदिर की बात, मस्जिद की बात कर ना, शिवालयों की बात कर, और लोग हैं भूखे, निवालों की बात कर। अब निवालों की बात करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मोदी जी का किस नाम पे मनाया जाता है पता है? बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, जुमला दिवस, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कोई हक के लिए बात करेगा, तो हक के लिए सवाल करेगा, तो उसको देशद्रोही और उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। अगर देशद्रोही, अगर देशद्रोही सुनिए, अगर ये माइक कहीं से देखिए, जनता से बच के चलिएगा, ये कलर से बहुत देश की जनता परेशान है। राम राम के नाम की खूब मचाई लूट, और तीन मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ। राम राम, आप राम। इन्होंने ये भी कहा था हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, लेकिन क्या हुआ? नदी के अंदर, गंगा के अंदर हवाई यात्रा करा दी। मुद्दा खत्म कर दिया, कृषि कानून को लेकर आप जो है विरोध करते थे, तो मुद्दा, अरे इस देश में बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जैसे दलाल पत्रकारों का नहीं नहीं ये कैसी बात है, कैसी नहीं ठीक है, आप बताइए। तो इसीलिए सच से नहीं, सच अच्छा सर, अरे हमें कैसे मिर्ची लगे, सच से हमें मिर्ची नहीं लगेगी, हम सत्य से हमेशा चलने वाले लोग हैं। लेकिन आप सच बोलते हैं, अगर कोई बीजेपी की बात करे तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और भारतीय जनता पार्टी सत्य से हकबकाई हुई है। दूर दूर तक अपराधी नहीं दिखाई देते हैं, अरे महाराज बगल में ही अपराधी बैठा हुआ अजय मिश्रा टेली, आपको दिखाई नहीं देता है, आप गिरफ्तार कीजिए ना, आप गिरफ्तार तो करिए, एनएसए तो लगाइए, जेल में तो डालिए, क्या उमर खालिद जेल में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी जो एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात करेगा, वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस समय हमारे साथ, जैसा आप देख सकते हैं, बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। और साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में काशी विश्वनाथ पहुंचे थे, उसका अब काफ़ी ज़्यादा राजनीति जो है, राजनीति में वो तब्दील हो गया है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि चुनाव थे इसलिए प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ पहुँचे थे, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं और इनकी क्या राय है, इसको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। सवाल की शुरुआत ही यहीं से होती है पांडे जी की, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का उद्घाटन करके आए हैं, जहां पर उन्होंने राजनीति से लेकर कोई बातचीत नहीं की है, तो विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? राजनीति से लेकर बातचीत नहीं की है, लेकिन राजनीति जो है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है, 4.5 साल में जब ये बनारस को जो क्योटो कहते हैं, 4.5 साल में आखिर क्यों नहीं गए? जब बनारस की जनता परेशान थी, जब बारिश और बाढ़ से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, जब गंगा मेला से तैर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? ये सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से। लेकिन अगर दूसरी पार्टियां अगर चुनाव के दौरान मंदिर मस्जिद या कहीं और जाते हैं तो विरोध नहीं, प्रधानमंत्री मोदी चले गए, योगी आदित्यनाथ चले गए, बीजेपी के नेता चले गए, तो विरोध क्यों? मतलब विरोध करेंगे तो हर चीज का करेंगे ना। जानती हैं मैडम, जब चुनाव आता है तो भाजपा को भगवान याद आते हैं, चुनाव खत्म ही भगवान को, ये भाग, ये तो सभी पार्टी ने, ये भारतीय को ही क्यों टारगेट नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चुनाव खत्म होते ही भगवान को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, गाय गोबर के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, सुअर बकरी के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता रोजी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर वोट देगी, स्वच्छ शिक्षा पानी बिजली और रोजगार के नाम पर वोट देगी। अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश, बिजली के लिए आपको बता दूं 24 घंटे फ्री बिजली देने का वादा किया योगी आदित्यनाथ ने, कहां मिल रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अभी कितना भी कैसे यूनिट है यूपी में पता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा, मतलब सवाल उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, जब उन सवालों का आपको जवाब दिया जाएगा तो विरोध करना शुरू कर देंगे। आप बताइए, जवाब आप ही दीजिए, आप ही बीजेपी का प्रवक्ता बन जाइए, प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता जो सच है वो नहीं, आप ही अंजना कश्यप बन जाइए, अब बताइए हम सब, नहीं सुनिए मैडम, आप ही से, आप बिल्कुल सच बोलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू, आपसे हम सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 का जवाब, सवाल नहीं, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो मेरा 14 करोड़, 4 लाख लोगों को नहीं दिया, 7 साल से सरकार रोजगार है मैडम, 14 करोड़ रोजगार चाहिए, 14 करोड़, 5, 5, 10, 4, 14 करोड़ रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री बताइए? हम पूछ रहे हैं, वो पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव बुआ हैं, बीजेपी के समर्थक थे ना,
वो कहते थे बच्चों 35 रुपये पेट्रोल बेचने वाली सरकार चाहिए, 100 रुपये बच्चों ने तो वोट दे दिया, कहा 35 रुपये पेट्रोल। लेकिन वही लोग कहते हैं अगर बीजेपी 1000 रुपये पेट्रोल का दाम कर देंगे तो जाएंगे बीजेपी। ना 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 प्रदेश की कौन बोलता है मैडम, सुनिए ना, अंधभक्त बोलते हैं, बोलते हैं बीजेपी के फेवर में बोलता है तो वो अंधभक्त, उसको अंधभक्त नहीं तो कहेंगे तो क्या कहेंगे, कहेगा गोबर जो है कोहिनूर से भी ज्यादा महंगा है, उसको अंधभक्त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उस 100 रुपये डीजल पेट्रोल बिकता है तो बोलता है 1000 रुपये बिकेगा तभी हम लेंगे, तो उसको अंधभक्त नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। वो कहता है कि दुनिया में भारत का नाम है, तो कहा नहीं है दुनिया में भारत, 2014 से पहले भारत में दुनिया में नाम नहीं था। सुनिए ना, मनमोहन सिंह जी इंदिरा गांधी का जन्मदिन किस नाम पे मनाया जाता है, एकता के नाम पर मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री का जन्मदिन मोदी जी का किस नाम पे मनाया जाता है पता है, बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, जुमला दिवस, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर मनाया जाता है। अरे महाराज प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए कि आपके जन्मदिन के मौके पे बच्चे आपको हैप्पी बर्थडे नहीं कहते हैं, बोलते हैं जुमला जीवी जिंदाबाद। पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, मंत्र दिए जा रहे हैं जीत के, विकास का आवरण किया जा रहा है, विकास पर वोट लिया जा रहा है, आप केवल उनका विरोध करते हुए। मैंने विकास दिख कहाँ रहा है, नहीं दिख रहा है। भाजपा का विकास तो बैनर पर दिखता है महाराज, और मोदी जी का मंच पर दिखता है, और विकास दिखता कहाँ है। ये बलिया जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, और वहाँ पे जमीन रोड टूटा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोग 7 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां सड़क पर नहीं चल रही है, दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश का पुलिस होटल में घुस करके पटक के मार देता है, बोलता है कि गुंडई करता है। एक आपने देखा होगा एक लड़का 5 फीट का लड़का इतनी बड़ी टंकी से फांसी लगा कर मर जाता, आत्महत्या कर देता है। यही तो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, यही तो विकास हुआ है कि प्रधान देश का गृह मंत्री जाते हैं उत्तर प्रदेश और कहते हैं कि मैं दूरबीन से देखता हूं तो दूर दूर तक अपराधी नहीं दिखाई देते हैं। अरे महाराज, बगल में ही अपराधी बैठा हुआ अजय मिश्रा टेनी आपको दिखाई नहीं देता है, आप गिरफ्तार कीजिए ना उसको, आप गिरफ्तार तो करिए, NSA तो लगाइए, जेल में तो डालिए। क्या उमर खालिद जेल में जाएंगे, केवल जामिया के बच्चे जेल में जाएंगे, जो सवाल करेंगे वो जेल में जाएंगे, केवल चंद्रशेखर रावण पे NSA लगेगा क्या, जो दंगाई है अजय मिश्रा टेनी उस पे NSA लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बेटे जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, NSA लगेगा। श्रवण पांडे जी, इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के राज में सवाल पूछेगा वो जेल में जाएगा, क्या लग रहा है आप बताइए। मुझे लग रहा है मैडम आपके सवालों से आप भी ये भगवा का कलर लगा के आप भी भगवा के प्रचार कर रही हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के हैं बताइए आप थोड़ी नहीं नहीं डिसाइड देखिए कलर से, इसीलिए लग कलर से नहीं है ये बात, और क्या भगवा तो वही तो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कोई हक के लिए बात करेगा तो हक के लिए सवाल करेगा तो उसको देशद्रोही और उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। सुनिए अगर ये माई कैसे देखिए, जनता से बच के चलिएगा, ये कलर से बहुत देश की जनता परेशान है, मैं बता देता हूँ पत्रकार महोदया, उत्तर प्रदेश में ई लेके मत जाइएगा आपकी बार भारतीय जनता पार्टी का, इसी के लिए जो पहन के चलता है उसको दंडो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे, भारतीय जनता पार्टी की जनता का डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि इसकी सरकार नहीं आएगी, और आप जैसे पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार को कहता हूँ कि ये जो तू उतार दीजिए, नहीं अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इनको ग्राउंड पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, जो एकता अखंडता और संप्रभुता की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। आपका तो बड़ा मुद्दा खत्म कर दिया, कृषि कानून को लेकर आप जो है विरोध करते थे, अब तो मुद्दा, अरे इस देश का विरोध, इस देश में बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जैसे दलाल पत्रकारों का नहीं, आप नहीं देगा ये कैसी बात है, कैसी नहीं देगा आप बताइए, तो इसीलिए सच से नहीं सच, अच्छा सर हमें कैसे मिर्ची लगे, सच से हमें मिर्ची नहीं लगेगी, हम सत्य से हमेशा चलने वाले लोग हैं। लेकिन आप सच बोलते हैं, अगर कोई बीजेपी की बात करे तो परेशान, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, और भारतीय जनता पार्टी सत्य से हकबकाई हुई है, उत्तर प्रदेश में उसको समझ नहीं आ रहा है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए या अजय मिश्रा टेनी को सत्ता में रखा जाए, क्योंकि ऐसे खूनी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इन्होंने सत्ता में रखा है, इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा, और भव्य काशी दिव्य काशी का आप मुझे झुंझुना मत दीजिए,
लिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होगा। आपसे सवाल करूंगी, इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त जो है हिंदू मुस्लिम करने लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हमारे लिए सभी धर्म एक बराबर है। सबका साथ सबका विकास, देखिए घर का बेदी ढंग का लाए, तो ये जो सबका सबका विश्वास कह रही है ये पार्टी, ये विश्वास किसानों के साथ क्या दिखाया? SIT की जांच में क्या आया कि वो दोषी है, और तब भी उसको जो है क्या है कि उसे बर्खास्त नहीं किया जा रहा। वापसी होगा, मुद्दा ही खत्म हो गया। अब तो किस बात का विरोध करेंगे? अब किस बात का विरोध करेंगे? मतलब 750 किसानों की जान ले ली उन्होंने, उसका विरोध नहीं होगा? आप देखिए जो कि उसका हत्यारा है, उसको अभी मंत्री पद पे बैठे वो जो है केंद्रीय राज्य गृह मंत्री है, उसका इस्तीफा नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे? जो MSP का कानून अभी बना के नहीं दिया, उसका विरोध नहीं करेंगे? किसका विरोध नहीं करेंगे? विरोध करना ही था तो बॉर्डर खाली क्यों किया? बॉर्डर खाली नहीं किया है, आंदोलन को स्थगित किया है, आंदोलन खत्म नहीं किया है, पूरे देश के अंदर यह आंदोलन जारी है और चलेगा। यह है आश्वासन दिया है, अगर उस पर झूठ बोलती है ये तो झूठों की सरकार है, जुमला जी भी सरकार है। देखिए राम राम के नाम की खूब मचाई लूट, और तीन मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ। राम राम, आप राम 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 के नाम पर BJP वोट मांगती है, दूसरी पार्टियां भी तो भगवान के नाम पर वोट मांगती है, उसका क्यों? अरे कौन सी पार्टी मांग रही है राम के नाम की? आप देखिए ये जो आप कहते हैं कि राम के नाम की इन्होंने वोट मांगे थे, इन्होंने ये भी कहा था हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, लेकिन क्या हुआ? नदी के अंदर, गंगा के अंदर हवाई यात्रा करा दी, वो हवाई यात्रा नहीं। जिनका गुस्सा आपने देखा सरकार को लेकर, कितने ज्यादा नाराज हैं और काफी ज्यादा गुस्सा इन्होंने जाहिर किया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि बीजेपी ने जिस तरह से कृषि कानून को खत्म किया है वो एक बड़ा मुद्दा भले ही था, लेकिन अब विकास और बेरोजगारी पर जो है जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जनता इन्हीं मुद्दों पर अब बीजेपी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में करेगी। अब सुपड़ा साफ बीजेपी का होता है या नहीं, और इन्होंने तो एक चैलेंज भी कर दिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी। अब सरकार किसकी आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहें PRB। धन्यवाद।